दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने बॉलीवुड के गली बॉय यानी कि रणवीर सिंह की आ चुकी फिल्म और सर्कस का रिव्यू रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना आओ चाहता हूं। और मैं चाहता हूं आओ आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अपना जवाब जरूर अब भेजिएगा। हम उल्लू का, हम गधा हूं, हम मूर्ख हूँ, हम बेवकूफ हूँ। अब आप यही सोच रहे होंगे कि अरे हम ये कहाँ बोलने लगे, अरे सर्कस का रिव्यू दे देते तो हमारे दिमाग में कहाँ घुस गया। तो भाई आज जब हम सर्कस देख रहे थे ना भैया, तो हमारी हालत कुछ ऐसी थी, या फिर ये कहें कि भैया वहां बैठे हुए हर ऑडियंस यही बात सोच रही थी कि भैया कब तक बॉलीवुड के ये बड़े बड़े मेकर, बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों का चेहरा दिखाकर हमें गधा, उल्लू, बेवकूफ बनाते रहेंगे। अबे कभी तो अच्छी फिल्म बनाकर सिनेमा घर में दो, जिसको देखने के बाद हम ये बात कहें कि नहीं, हमारी बॉलीवुड में भी अच्छी फिल्में बनती है। लेकिन भाई इनको ये बात कहाँ पसती है, कहाँ समझ में आती है। भैया आज जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो फिर मेरे दिमाग में वही बात आई जो कि हमेशा मैं बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों को समझाता हूं कि भैया बॉलीवुड में तब तक अच्छी फिल्में नहीं बन सकती हैं जब तक बॉलीवुड में दोस्ती यारी, भाई भतीजावाद चलता रहेगा मेरे भाई। यानी कि राइटर अपने घर का, एक्टर अपने घर का, हीरोइन अपने घर की। यानी कि भाई हम हूँ रोहित शेट्टी और हमने इससे पहले बॉलीवुड में अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, तो भाई मेरे नाम पर ही बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार बिना स्क्रिप्ट पढ़े, बिना स्क्रिप्ट देखे आ जाएंगे और किसी भी फिल्म को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद कैरेक्टर आर्टिस्ट का क्या है भाई, उनको तो अपने डिहारी से मतलब है, चाहे इसमें जॉनी लीवर हो, चाहे इसमें संजय मिश्रा हो, चाहे इसमें मुरली शर्मा हो, उनको मतलब क्या है भैया। हमारा कितने दिन का शेड्यूल है, कितने दिन का हमारा काम है, हमारा पेमेंट कितना होगा इस फिल्म में, उनको पेमेंट से मतलब है। यानी कि भैया कहानी से किसी को कोई लेना देना नहीं है भाई, अपना कुनबा है भैया, जिसको बुलाओ वो दौड़ के आ जाएंगे, फिल्में बन जाएंगी, सिनेमा घर में रिलीज हो जाएगी। वहां पर जो फिल्म देखने आएगा इस उम्मीद से कि भैया हमें एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी, क्योंकि भैया इससे पहले इस डायरेक्टर ने अच्छी फिल्में दी थी। तो भाई इससे पहले दी थी ना, ये वाली अच्छी होगी इस बात की गारंटी तो डायरेक्टर ही दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फिल्म बनाई है, पहले उन्होंने देखी है। हम तो आज देखने गए थे भैया इस फिल्म को सिनेमा घर में। दोस्तों क्या वाहियात आदमी हूं मैं, क्या वाहियात आदमी हूं मैं, जो इतनी ठंड में सुबह सुबह उठा ये सोच कर कि भाई आज सर्कस सिनेमा घर में रिलीज हुई है, कई सारे जोकर इस फिल्म में एक साथ नजर आएंगे, वो कॉमेडी करेंगे और हम हंसेंगे, ताली बजाएंगे, ताली ताली ताली। भाई सच बताता हूं कि इस फिल्म को जब मैं आज देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि इस फिल्म में कहानी कहाँ है। तो कुछ लोग मुझसे कहने लगे, अरे इस फिल्म में संजय मिश्रा है, कहानी कहाँ है, अरे इस फिल्म में रणवीर सिंह है, कहानी कहाँ है, अरे इस फिल्म में वरुण शर्मा है, कहानी कहाँ है, अरे इस फिल्म में पूजा हेगड़े है, कहानी कहाँ है, अरे इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस है, अरे कहानी कहाँ है, अरे इस फिल्म में मुकेश तिवारी है, अरे कहानी कहाँ है, अरे इस फिल्म में मुरली शर्मा है, अरे कहानी क्या है, अरे इस फिल्म में अजय देवगन का कैमियो है, अबे कहानी कहाँ है, अबे इस फिल्म में दीपिका पादुकोण का एक गाना भी है, अबे कहानी कहाँ है। यही सवाल तो ऑडियंस इस फिल्म को देखकर पूछ रही थी। दोस्तों आज तक हम लोगों ने रोहित शेट्टी की जितनी भी फिल्में देखी हैं सिनेमा घर में, भैया मैं लॉजिक की दुकान घर में छोड़ कर जाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि यह रोहित शेट्टी की फिल्म है, तो भैया लॉजिक बिल्कुल मत लगाना। लेकिन रोहित शेट्टी से हम ये उम्मीद रखते थे कि उनकी फिल्मों में कॉमेडी भर भर कर होता है, तो भैया इस फिल्म में उन्होंने इतने बड़े बड़े कॉमेडी आर्टिस्ट को लिया है। भैया कई सारे कलाकार बॉलीवुड के बेहतरीन बेहतरीन कॉमेडियन इस फिल्म में नजर आने वाले हैं, तो भैया कॉमेडी तो भर भर कर होगा। लेकिन भाई हुआ क्या मालूम है, एक 10 बाई 10 का कमरा था, उसमें 50 कॉमेडी आर्टिस्ट भर दिए गए और सबको बोला गया कॉमेडी करो।
तो भाई ऑडियंस, अरे वो कैसा कॉमेडी कर रहा है, अरे वो कैसा कॉमेडी कर रहा है, अरे वो कैसा कॉमेडी कर रहा है। स्पेस था क्या किसी कलाकार के लिए? स्पेस था? बिल्कुल नहीं। तो भाई यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसके वजह से इस फिल्म को लेकर मैंने शुरू शुरू में इतनी सारी बातें कही हैं। दोस्तों, फिल्म के एक्टरों का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है वो भी आप जानते हो, यानी कि रोहित शेट्टी। उसके बाद इस फिल्म के जो राइटर है उनके नाम आप सुन लो, तो भैया फरहाद सामजी, संचित बेदरे, विधि घोड़गांवकर, यूनुस सजावल, भैया इन लोगों ने इस फिल्म की कहानी को लिखा, यानी वे इतने सारे राइटर मिलकर इस अद्भुत कहानी को लिख रहे थे। और जब आप कहानी देखने जाओगे तो भैया फर्स्ट हाफ में ही आपको कहानी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी कि भैया आपको आगे क्या देखने को मिलेगा। और उसके बाद जब आप स्क्रीन प्ले देखोगे तो इधर खिचड़ी पकड़ रहा था, इधर खीर पक रहा है, इधर रायता पक रहा है, इधर भाजी पक रही है, और ये सारे जो व्यंजन है ना एक साथ आकर मिल गए एक थाली में, और यूं 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 हो गए। और हो गया क्या भाई, तो खिच रायता सब्जी क्या बोलेंगे, सब मिक्स हो गया, सब मिक्स हो गया, कहानी कहाँ कुछ आता पता नहीं। हाँ, कुछ कलाकारों ने इस फिल्म के जान को बचाने की कोशिश की अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से। तो भैया उसमें एक नाम मैं आप लोगों को जरूर बताना होगा कि भैया संजय मिश्रा, जिन्होंने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से वाकई में दिल जीतने की कोशिश की। उसके बाद भैया किसी को स्पेस मिले, किसी के लिए कहानी सही तरीके से लिखी गई हो, डायलॉग्स अच्छे से लिखे गए हो, सीन अच्छे से क्रिएट किए गए हो, तभी तो भैया बाकी के कॉमेडी आर्टिस्ट जो है वो कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते थे। अब चलिए थोड़ी से कहानी की भी बात कर लेते हैं, इधर उधर की तो बातें मैंने बहुत कर ली, स्टोरी लाइन क्या है। वैसे आप लोग जानते हो अमूमन ये बात कि भैया मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रिवील नहीं करता हूं, और यहां भी ऐसा ही करूंगा। तो भैया फिल्म की कहानी क्या है, थोड़ा सा प्लॉट आप समझ लीजिए। तो भैया ये कहानी जो है वो शुरू होती है एक अनाथालय से, जहां पर चार जुड़वा बच्चे हैं, और वहां पर एक केयर टेकर है जो कि मुरली शर्मा है, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं इन चारों जुड़वा बच्चों के साथ। ये एक जुड़वा बच्चा का जोड़ी है, ये एक जुड़वा बच्चा का जोड़ी है। तो मुरली शर्मा क्या करते हैं, इस पेयर में से एक बच्चा इस फैमिली को एडॉप्ट करने के लिए दे देते हैं, और इसमें से एक बच्चा इस फैमिली को। उसके बाद भैया इसमें जो ये जो बच्चा बच्चा है वो इसे दे देते हैं, और ये जो बच्चा बच्चा है वो इसे दे देते हैं। अब ये जो दो फैमिली है, एक रिच फैमिली है और एक मध्यम क्लास का फैमिली है। तो भैया रिच फैमिली जो है वो अपने बच्चों को लेकर दूसरे शहर में चला जाता है, अब मध्यम क्लास वर्ग का जो फैमिली था वो इन दोनों बच्चों को लेकर दूसरे शहर चला जाता है। अब इसके बाद कहानी जो है वो 25 साल आगे बढ़ जाती है, और यहां पर हम ये बात देखते हैं कि भैया इन चारों बच्चों का जो नाम रहता है वो जॉय और रॉय रहता है। अब भाई ये जो रिच फैमिली है, इनके जो दो बच्चे हैं रॉय और जॉय, वो किसी काम से उसी शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर उनके जुड़वा भाई रहते थे। और भाई जैसे वो इस शहर में पहुंचते हैं कि यहां पर जॉय और रॉय के नाम से कई सारे तांडव होने लग जाते हैं, यानी कि भैया यहां पर ऑलरेडी पहले से ही दो जॉय और रॉय थे, और भैया जब ये दो जॉय और रॉय यहां और आ जाते हैं तो यहां पर काफी मिसकम्युनिकेशन होने लग जाता है। तो भाई ये मिसकम्युनिकेशन क्यों होता है, और वो मुरली शर्मा ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इन चारों जुड़वा बच्चों के साथ में वो उन्होंने क्यों किया था, इस बात को समझने के लिए आपको इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमाघर में। यानी कि भैया फिल्म की कहानी बस यही है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के स्टोरी लाइन की, अब चलिए मतलब बात करते भैया इस फिल्म के डायरेक्टर वाले डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों अमूमन रोहित शेट्टी को लेकर ये बात तो हम लोग जानते हैं कि भैया वो अपनी फिल्मों में एक्शन और कॉमेडी का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर लेकर आते हैं, और उनकी फिल्मों का डायरेक्शन आउट ऑफ द बॉक्स होता है। लेकिन इस बार रोहित शेट्टी जो है वो अपने इस फिल्म में पूरी तरह से बिखर गए, मुझे ऐसा लगता है। ना तो वो अपने इस फिल्म में सही तरीके से कॉमेडी का तड़का लगा पाए, ना ही एक्शन का तड़का लगा पाए, और ना ही उनकी ये फिल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट लेकर ऑडियंस के सामने आने में कामयाब हो पाई। यानी कि इस बार रोहित शेट्टी जो है वो बुरी तरह से भैया नाकामयाब साबित होते नजर आ रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भैया मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भाई मैं इस फिल्म को 1.5 स्टार देना चाहूंगा। लेकिन भाई आज अगर ये फिल्म इतना बेहतरीन
पकाऊ फिल्म बनी है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, अपने कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।